बनाते हैं कश्मीरी लाल दम पनीर। देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हमने यहाँ पे पनीर लिया है जिसको लंबा कट किया है और एक साइड पे हम क्या करेंगे, पानी गर्म करने रखेंगे। चलिए तब तक हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पानी जो गर्म किया है उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और हींग। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, अब हम इसमें पनीर को फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा पनीर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, दोनों साइड से जब ऐसा हो जाएगा हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पनीर फ्राई किया है वो हम एक एक करके इस पानी में डाल देंगे जो हमने बॉइल किया है और ढक्कन देके रख देंगे। और तब तक क्या होगा, इससे जो एक्सेस वाला ऑयल है वो भी निकल जाएगा और इसके अंदर जो हमने पानी में नमक डाला था और हींग था उसका फ्लेवर भी आ जाएगा। चलिए अब बनाते हैं इसका मसाला। किन मसालों की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है मीठी सौंफ का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, यहाँ पे सूखा जिंजर जो है यानी कि अदरक का पाउडर, इसको हम सौंठ भी बोलते हैं, धनिया का पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, यहाँ पे दही लिया हुआ है जिसको अच्छे से विस्क किया है, अच्छे से फेंटा है हमने, ज्यादा नहीं लेना है, 2 से 3 चम्मच। साथ में हमें चाहिए यहाँ पे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3 या 4, लौंग 3 से 4, और जो बेसिक मसाले हैं यानी कि हींग चाहिए हमें, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। तो जिस तेल में हमने फ्राई किया था उसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी तेज पत्ता, और इस टाइम पे गैस को जो है हमने लो फ्लेम पर रखना है, मसाला हमारा जल सकता है। फिर डाली मैंने बड़ी इलायची जिसको थोड़ा सा क्रश किया है, छोटी इलायची 4, लौंग, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग, ज्यादा नहीं डालेंगे इस टाइम पे, कश्मीरी लाल मिर्च, ध्यान रखें कि गैस को जो है हमने लो फ्लेम पे रखा है, इसको हम कुछ देर के लिए ऐसे मिक्स करेंगे, हार्डली 1 से 2 सेकंड। और अब हम इसमें जो दही फेंट के रखा था वो डाल देंगे और गैस को तेज कर देंगे। दही डालने से क्या होता है, इसमें कलर बहुत अच्छा आता है, और इसको तब तक हिलाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो जैसे इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाएगा अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाले और इसको सिम गैस पे कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी डिश का मेन इंग्रेडिएंट, वो होता है मीठी सौंफ का पाउडर। तो हमने यहाँ पे सौंफ के पाउडर के 2 चम्मच डाले हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें दालचीनी का पाउडर, नमक एज पर टेस्ट, पर थोड़ा सा इसमें ज्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डालें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे सिम गैस पे। देखिए इसमें उबाल आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा फ्राइड पनीर था वो डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और बस अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। जब हम 10 मिनट के लिए इसको पका रहे हैं, बीच में इसको हिलाना मत भूलिएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो ये करी थी वो जो है वो हाफ हो गई है और हमारा पनीर जो है बहुत अच्छे से इस रस के अंदर जो है रच चुका है। 10 मिनट के बाद आप क्या देखेंगे कि ये जो पनीर का रस है वो आधा हो चुका है और पनीर में अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे, पर जब आप 10 मिनट के लिए इसको पका रहे हैं तो बीच बीच में हिलाते रहें इसको। तो यहाँ पे हमारा कश्मीरी लाल दम पनीर बनकर रेडी है। ये चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे हमने कोई प्याज टमाटर का यूज नहीं किया है, यही तो कश्मीरी डिशेस की मेन बात है, और फिर भी ये डिशेस बहुत टेस्टी बनती हैं। आप मेरी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें, और अच्छी बनती है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे दबाना तो बनता है।